Hello, hi, I'm most welcome in Stanford Simon, so please speak with me. I can speak in English. I will speak in English fluently. Zor se bole, mere saath bole. I can speak in English. I will speak in English fluently and correctly. So, jo se bolna hai, baar baar bolna hai, har baar padhai start karne se pehle bolna hai, theek hai? क्या आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ गए हैं? नहीं बैठे हो तो बहुत गलत बात है। आपको पेपर कॉपी या कलम लेके बैठना चाहिए ताकि जो मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं वर्ड पर लिखूँ, वो आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक्स में। तभी तो सर्टिफिकेशन एग्जाम के टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप, है कि नहीं? आपको गोल्डन सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो सीखना है, सीखने का जो प्रोसेस है, वो बिना नोट किए हुए अधूरा है। और हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, या तो जॉब करना चाहता है, या कोई ऑक्यूपेशन करना चाहता है, प्रोफेशनली स्ट्रांग होना चाहता है। अगर आप सीखने के लिए, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, इट्स मीन यू विश टू लर्न अ लैंग्वेज टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ही। तो आज आप इस वीडियो को स्टार्ट कराए, आपने देखा है, लास्ट तक ज़रूर देखें, हर एक पॉइंट को समझें, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम लोग स्पीकिंग की बात कर रहे थे, इंग्लिश की बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, कीबोर्डिंग की बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशन स्किल की बात कर रहे थे। पर आज से हमारे कोर्स में हम लोग बात करेंगे जॉब्स की, सिर्फ जॉब की बात नहीं करेंगे, ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ एक चीज के भरोसे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती है। इफ यू आर स्किल्ड इनफ, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जॉब ही करें, आप खुद का भी तो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिना नॉलेज के दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो, अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल नहीं है, हाउ विल यू मोटिवेट पीपल टू ज्वाइन यू? हाउ कैन यू मोटिवेट पीपल टू ज्वाइन योर कंपनी? हाउ कैन यू इंप्रेस योर एचआर फॉर अ जॉब? सो हाउ कैन यू इंप्रेस अ टीचर अ प्रोफेसर फॉर गुड मार्क्स इन योर प्रेजेंटेशन, वाइवा और प्रैक्टिकल? So, ये सब करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हमें पता होना चाहिए किस वर्ड को कब और कहां कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज की जो क्लास जो अब से स्टार्ट हुई, वैसे तो ये लेसन, एक लेसन इसका स्टार्ट हो चुका है, टू इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिक लेवल में एक लेसन था। आई होप अगर आपको याद हो, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, जो लेसन का नाम है माई वर्क प्लेस। तभी जब हमने थोड़ा सा हिंट, थोड़ी सी बात करना शुरुआत करी थी, लेकिन बहुत छोटा सा इंट्रो हुआ था जॉब ऑक्यूपेशन के बारे में। अब जो है हम लोग एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं जॉब ऑक्यूपेशन के बारे में, और एकदम डिटेल है। देखिए, जॉब ऑक्यूपेशन बिजनेस कुछ भी करने से पहले हमें इसका मतलब, इसका माने, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम सही जॉब ऑक्यूपेशन या बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन को रखा गया है हमारे कोर्स के अंदर, ताकि हमारा हर एक बच्चा स्पीकिंग करते करते, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखते सीखते, और एक कामयाब इंसान बने इन फ्यूचर। योर फ्यूचर शुड बी ब्राइट, नॉट ब्राइटर, ब्राइटर। तो क्या सीखने वाले आजकल हम लोग? आज जो टॉपिक है, इसका जो लेसन है, जॉब एंड ऑक्यूपेशन, जो इसका की लर्निंग है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में जो एक मिथ है, एक डिफरेंस है, उससे बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स की बात करेंगे, करियर गाइड्स की बात करेंगे, नॉवेल रीडिंग होगी, इंग्लिश एंड जॉब, इंग्लिश और जॉब कैसे रिलेटेड है वो बात करेंगे, फिर ऑक्यूपेशन की बात करने वाले, ये सब करने वाले हम लोग प्रेजेंटेशन से, रैपिड फायर राउंड से, ग्रुप डिस्कशन से, क्विज होगा इसमें, और नॉवेल स्टोरी बुक के थ्रू। तो चलिए सीखते हैं। So dear students, let's learn a few things very important about Stanford's classes. You know, Stanford's mission to prepare students for professional career. अभी तक जो लोग बेसिक से या फिर इंटरमीडिएट में डे वन से जुड़े हुए हैं, उनको तो समझ में आ गया होगा कि Stanford is not just an English class.
स्टैनफोर्ड सिर्फ इंग्लिश क्लास नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है और बहुत बढ़कर है, क्योंकि हम आपको कीबोर्डिंग सिखा रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल्स सिखा रहे हैं और आज तो जॉब ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। सो हमारा मकसद क्या है कि बच्चों को इस लायक बना देना कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बने, प्रोफेशनली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि उनका कोई हाथ न पकड़ सके, वो जिस भी फील्ड में चाहें अपना करियर फैंटास्टिक करियर बना लें। बट ये वह भी हो सकता है इफ़ यू आर अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट विदाउट एनी एक्सक्यूज। बिना बहानों के अगर आप पंक्चुअल एंड रेगुलर हैं, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, दिल से करते हो, देन यू आर गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक स्पीकर एंड अ प्रोफेशनल पर्सन इन कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग, इन अपकमिंग लेसन्स वी लर्न हाउ टू अचीव आवर करियर गोल्स। आज जॉब एंड ऑक्यूपेशन 2 हम लोग कर रहे हैं, अपकमिंग डेज में जॉब एंड ऑक्यूपेशन 3 करेंगे एंड 4-5 जो है वो एडवांस लेवल का पार्ट है, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि जॉब इंटरव्यूज कैसे करते हैं, हॉट क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे आप किसी भी इंटरव्यू में किसी एचआर को मोटिवेट कर सकते हो, उनको अपने आंसर से इम्प्रेस कर सकते हो, तो और भी सारी स्किल हैं, कैसे बैठना चाहिए, कैसे जॉब इंटरव्यू करना चाहिए, और प्रैक्टिकल रोल प्ले भी है एज अ इंटरव्यू एंड इंटरव्यू वाला एक रोल प्ले भी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे करेंगे, बट अभी इंटरमीडिएट लेवल में एक और लेसन आने वाला है अपकमिंग डेज में, उसमें जॉब एंड ऑक्यूपेशन के नेक्स्ट लेवल को देखेंगे। और एडवांस लेवल में जो दो लेसन आने वाले हैं जॉब एंड ऑक्यूपेशन 4 और 5, उसमें हम लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर अ जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू स्किल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर लो, ईजिली कामयाब हो जाओ उसमें। नेक्स्ट थिंग, टेल मी नेम ऑफ सम पॉपुलर करियर चॉइसेज ऑफ पीपल इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में या अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, नेबरहुड में जो लोग किसी न किसी करियर में होंगे, किसी न किसी प्रोफेशन में होंगे, तो आप उन एग्जाम्पल्स को बताओ, अभी कभी बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, व्हाट आर द कॉमन करियर चॉइसेस फॉर द पीपल। जो जनरली होता है पहले, कुछ समय पहले तक और आज भी जो कॉमन चॉइस है वो क्या है, मुझे लगता है इंजीनियर्स, डॉक्टर, और कुछ लोग क्या बनने चाहते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो ये करियर चॉइसेस मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है ये हैं। इसके अलावा भी अगर कोई करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आपके रिश्तेदार, दोस्त या फिर आपके नेबर में कोई है उस प्रोफेशन या करियर में, तो उस करियर के नाम का को आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो। और आपने कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ किया है खुद के लिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। Why government jobs are so popular? Government job के लिए इतना मादकोरी क्यों होती है? अक्सर लोग जो हैं, especially from UP बिहार जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि government job मिल जाए। Why they are so crazy about government job? अगर आप south में जाओ, मतलब कि कर्नाटका, मुंबई, पुणे, चेन्नई वगैरह में जाओ, तो वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस नहीं देते। पर अगर अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो लोग क्रेजी हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है, लोग 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, क्लर्क की ही निकल जाए, पर निकल जाए। वाई पीपल आर सो मच क्रेजी फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन नॉर्थ इंडिया, बताइए। वैसे बुक एक्सरसाइज के दौरान मैं भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, प्लीज़ शेयर, और कोई हॉटलाइन हो दिमाग में, मम्मा ने, पापा ने किसी बोला है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, आई विश टू आंसर यू राइट नाउ। अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अभी कभी आपको जवाब दूंगा। When we are talking about job and occupations, we should know some terms, we should understand some categories of work which we do. So let's understand something very important. Job. What is a job? What is an occupation? What is a profession? What is a business? What is a startup? What is an entrepreneur? It's not entrepreneur, it's entrepreneur. Pronunciation is totally different with the spelling entrepreneur. Okay, so what are these things? What are these things? And I hope you must have heard these terms in your any conversation or video. So let's understand clearly in Hindi meaning of these things. Jobs.
जब आप किसी के अंदर में काम करते हो, कोई आपका मालिक होता है जो आपको पैसे देता है, हो सकता है वो पर डे दे, हफ्ते में दे या फिर महीने में दे, उसको क्या कहते हैं? जॉब कहते हैं। जॉब में एक और टर्म आता है फ्रीलांसर, आपने सुना होगा, वो फ्रीलांसर कर रहा है बंदा। तो फ्रीलांसर क्या है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपने किसी कंपनी, पर्सन या ग्रुप के लिए कोई पर्टिकुलर काम किया है, पर उस पर्टिकुलर काम के लिए आपने कुछ पैसे चार्ज किए, फिर आपकी बात ख़त्म हो गई, फिर जब उन्हें ज़रूरत होगी वो आपसे काम करवाएंगे तो आपको पैसे देंगे और फिर बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट और इवेंट्स होगा जब आपको पैसे मिलेंगे, तो ये फ्रीलांसर हो गया, मतलब आपके कोई मालिक नहीं है, आप फ्रीली काम करते हो, बट द थिंग इज कि अगला इंसान भी फ्री है, वो आपको मंथली चार्ज, मतलब कोई सैलरी नहीं दे रहा, जब उसको ज़रूरत होगी तब आपको पैसे देगा, काम करवाएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, तो वो होता है फ्रीलांसर। अब आते हैं जॉब की बात। जॉब में क्या, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किसी के यहाँ काम करते हो और मंथली आपको पेमेंट मिलता है, दैट इज़ अ जॉब। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन मीन्स होता है, ऑक्यूपेशन वर्ड आया है ऑक्यूपाई से, किससे आया है? ऑक्यूपाई से। ऐसा कोई काम जिसमें आपका मैक्सिमम डे टाइम, मतलब पूरे दिन का 24 घंटे का दिन होता है, उसका मैक्सिमम टाइम जिस काम को करने में जाता है वो आपका ऑक्यूपेशन होता है। तो टीचिंग इज़ माय ऑक्यूपेशन, क्योंकि मैं 10 से 12 घंटे सिर्फ पढ़ाता हूँ, चाहे स्कूल में जाकर पढ़ाऊँ या अपने इंस्टीट्यूट पे पढ़ाऊँ या फिर ऑनलाइन पढ़ाऊँ, तो टीचिंग मेरा क्या हो गया? ऑक्यूपेशन हो गया। अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म्स में लिखा होता है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो आप लिखते हो स्टूडेंट, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो आपकी ड्यूटी है पढ़ना, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, लेकिन काम तो, रोल तो एक आप स्टूडेंट वाला निभा रहे हो ना। जनरली क्या कहता है, व्हाट इज योर मदर, ऑक्यूपेशन ऑफ योर मदर, माँ की ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है। अगर आपकी माँ घर में सिर्फ किचन वर्क करती हैं तो कहा जाता है शी इज़ अ हाउस वाइफ। ओके, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम किचन में गुजरता है और किचन के काम ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन हर उस चीज़ को बोल सकते हैं, हर उस काम को बोल सकते हैं जिसमें किसी पर्सन का मैक्सिमम डे टाइम गुजरता है, मैक्सिमम डे टाइम उनका निकलता है जिस काम में, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। डॉक्टर का जो ऑक्यूपेशन है वो डॉक्टर है का, मतलब ये है क्या कहते हैं, प्रैक्टिस उसको कहते हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना कहते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। इंजीनियर इंजीनियरिंग कहते हैं, इंजीनियरिंग में उनका ऑक्यूपेशन हो गया। अब थोड़ा सा फ़र्क है ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है वो समझिए। ऑक्यूपेशन हर वो काम है जिसको करने में आपका पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम जाता है, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। लेकिन अगर उस काम के लिए आपको किसी पर्टिकुलर डिग्री, सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और उस एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट या डिग्री की वजह से आप वो काम कर पा रहे हो, दैट इज़ योर प्रोफेशन। सो अगर कोई रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है तो वो उसका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसके लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं इकट्ठा किया है। पर डॉक्टर वो एक प्रोफेशन है, डॉक्टर क्या है, वो एक प्रोफेशन है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए पहले MBBS की डिग्री ली है, बिना MBBS की डिग्री के कोई भी डॉक्टरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब इंजीनियर एक प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन भी है, प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि इंजीनियर को इंजीनियरिंग वाला काम करने से पहले बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, अगर बीटेक या डिप्लोमा नहीं है तो वो इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं हो सकता, तो एक पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं। आपने एक और टर्म सुना होगा, थोड़ा सा फनी है बट ये भी एक फैक्ट है, कि अगर आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है तो भी वो एक प्रोफेशन है, जैसे कहते हैं प्रोफेशनल किलर। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस काम में उसको महारत हासिल है, दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्क ऑफ किलिंग पीपल। तो कहते हैं ना प्रोफेशनल किलर चाहिए, शूटर चाहिए, प्रोफेशनल शूटर, क्योंकि उसने एक लंबा वक्त उसमें गुजारा है, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आपने कुछ पैसे लगा के एक दुकान या शॉप या फिर कोई जगह पे कुछ सामान लेके बैठ गए हो बेचने के लिए, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल हो, वो आपका बिजनेस कहलाता है। स्टार्टअप, अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया बनाना और बेचना, तो उसको स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंसान जो एक नए आइडिया के साथ कुछ नया करता है, या फिर पुराने आइडिया में थोड़ा सा हट करके कुछ करता है और उस चीज़ को सेल आउट करता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर है हमारे ओयो वाले,
उन्होंने क्या क्या रूम भी भाड़े पे लगाते हैं, बेसिक काम क्या रूम को भाड़े पे लगाना, लेकिन थोड़े अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, ओला कैब वाले भाड़े पे कैब तो हर कोई लगाता है, लेकिन उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके एक तरह अलग काम किया, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई। अब देखिए फ्लिपकार्ट वाले, उन्होंने भी सामान ही बेच रहे हैं जैसे सारे दुकानदार सारे लोग बेचते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हट के काम किया है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सबको करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज इंग्लिश। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब, अच्छे जॉब में जाने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ऑक्यूपेशन में हो, अच्छा करियर ग्रोथ के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। प्रोफेशन में हो, इंग्लिश नहीं आती है तो अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। बिजनेसमैन हो, अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, आप अच्छे क्लाइंट्स अच्छे कस्टमर्स नहीं आ सकते आपके पास। स्टार्टअप है, स्टार्ट किया है तो आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। एंटरप्रेन्योर हो तब भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप कुछ अच्छा और नया कर ही नहीं सकते। डू यू अग्री विद दिस कमेंट? Do you agree with my statement? If you agree, yes, then please answer me why. If you don't agree, then answer me why. Do you agree that English is important for anything like job, occupation, profession, business, startup, and entrepreneur? If you agree, then give your own reason in the comment section right now. So dear student, this is a fantastic lesson. And that is job and occupations too. I hope till now you understood many things. Now let's talk about the book exercises, which is very important. First of all, you need to sit with your clock partners in offline classes. So let's talk about government and private jobs. What is your point of view and what is your partner's point of view? You are going to do partner talk. यहाँ पर आपको partner talk करना है, और पार्टनर टॉक में क्या करना है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है और फिर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है। ठीक है, तो पार्टनर क्या करेगा, वही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ लिखेगा और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ लिखेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पे इन गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन पे इन प्राइवेट जॉब्स, इज दिस लाइक दिस, कि गवर्नमेंट जॉब में जो पेमेंट है वो प्राइवेट जॉब से अच्छे होते हैं? डू यू थिंक सो? यस नो आंसर कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स आर ईजियर दैन प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो है, सरकारी जॉब जो है वो प्राइवेट जॉब से आसान होता है, इज दिस लाइक दिस? यू अग्री? यस नो। गवर्नमेंट जॉब्स आर परमानेंट बट प्राइवेट जॉब्स आर टेम्प्रोरी, गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होता है, प्राइवेट जॉब जो होता है वो टेम्प्रोरी होता है। तो ये जो माइंड सेट है हमारा, आप इस जो हमारे समाज का स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो ये आप अग्री करते हो नहीं करते हो, आपके पार्टनर का क्या थाट है वो आपको लिखना है यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ जॉब्स। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक डॉक्टर इंजीनियर के अलावा ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं है, टीचर का जॉब समझते हैं, इसके अलावा कोई जॉब समझ में नहीं आता है, लेकिन दुनिया में बहुत तरह के जॉब है। अराउंड 10,000 प्लस टाइप्स ऑफ जॉब्स आर देयर इन टूडेज टाइम, इन टूडेज टाइम देर आर मोर देन 10,000 टाइप्स ऑफ जॉब्स। एंड इस जॉब्स के बारे में कैसे पता चलेगा, दे आर मल्टीपल करियर गाइड्स, दे आर मेनी करियर गाइड्स, दे आर मेनी कंसल्टेंसीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हेल्प करते हैं लोगों का, जरूरी नहीं कि सब पैसा ही लेके करें, पैसा लेने वाला तो फ्रॉड होता है, मेरा तो यही मानना है। जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकते हैं, बहुत सी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जिनको कंपनी पे करती है, आपसे वो कुछ भी चार्ज नहीं करते, और आप वहाँ भी जाके मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स के बारे में बात कर सकते हो। जितने ऐसे भी कोर्स, बहुत से जॉब होते हैं जो आपको पता भी नहीं है, पता है फूड टेस्ट करने का भी जॉब होता है, और जो फूड टेस्टर होते हैं उनको लैक्स में सैलरी मिलती है, महीने की लाखों रुपए कमाते हैं। बहुत से ऐसे भी जॉब हैं, जैसे कि आपने सुना देखा वाटर पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में जो राइड्स होते हैं उसको फर्स्ट टाइम जाकर टेस्ट करना, ये भी एक जॉब है, तो उसमें भी लोग लाखों रुपये कमाते हैं। तो ऐसे स्टंट्समैन की जॉब होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो जॉब्स लिखे हुए हैं उसके बारे में। महविस मुश्ताक फ्रॉम कश्मीर बिकेम ए सक्सेसफुल ऐप डिज़ाइनर एट द यंग एज ऑफ 23। 23 साल की उम्र में एक लड़की कश्मीर से क्या बन जाती है, ऐप डिज़ाइनर बन जाती है। जैसे कि आप मोबाइल में ऐप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप फेसबुक वाला, वैसा ही ऐप। द गर्ल फ्रॉम कश्मीर बिकेम द फर्स्ट कश्मीरी वुमन टू डिज़ाइन एन एंड्रॉयड ऐप डायल कश्मीर। डायल कश्मीर के नाम से एक ऐप बनाती हैं और बहुत फेमस हो जाती हैं, लाखों करोड़ कमाती हैं सिर्फ एक ऐप बनाकर डेवलप करके, वो भी सिर्फ 23 ईयर की एज में। What does an app designer do? एक app designer क्या करता है बताइए?
हाउ डज वन बिकम एन ऐप डिजाइनर, एक इंसान अगर आप चाहो तो ऐप डिजाइनर कैसे बन सकते हो, सोचो इस बारे में, डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ। फिर लास्ट में मैं ऑनलाइन क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। मेंटी लैंगर इज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट विद ESPN। ESPN एक न्यूज चैनल है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स पे बात करता है, न्यूज देता है। शी होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2010 ऑन ESPN पे। 2010 का फीफा वर्ल्ड कप को उन्होंने कास्ट किया था, शूट किया था। द 2010 कॉमनवेल्थ गेम इन दिल्ली एंड 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और क्रिकेट वर्ल्ड कप 11 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम को भी उन्होंने शूट किया था। वो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनकी मंथली सैलरी 3 लाख रुपीज़ है, जो मंथली सैलरी है। What does a sports journalist do? एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या करता है बताइए। How does one become a sports journalist? एक इंसान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है? Think and discuss with your partner. मैरी कॉम के बारे में तो सबने सुना होगा क्योंकि इस पर तो मूवी भी बनी हुई है ना। मैरी कॉम इज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। उन पर मूवी क्यों बनी? क्योंकि वो 5 times बॉक्सिंग चैंपियन बनी है वर्ल्ड लेवल पे। द ओनली वुमन बॉक्सर टू हैव वन अ मेडल इन ईच ऑफ द 6 वर्ल्ड। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 6 तरह की चैंपियनशिप होती है, सब में उन्होंने क्या जीता है, मेडल्स जीते हैं, वो भी अच्छे लेवल पे जीता है। दिस लेडी फ्रॉम मणिपुर हैज मेड द होल नेशन प्राउड एंड ओपन गेट्स एंड मेनी अदर गर्ल्स हु वांट टू चूज ए करियर इन बॉक्सिंग। पहले मैरी कॉम से पहले बाकी लोगों को क्या लगता है, बॉक्सिंग तो लड़कों का काम है, इसमें लड़कियां कहाँ जाएंगी, छोरियों का काम ना है, ये तो छोरियों का काम है। लेकिन जब इन्होंने लगातार 5 times बॉक्सिंग चैंपियन रही, 6 मेडल्स जीते वर्ल्ड लेवल पे, फिर लोगों का थॉट बदला, बहुत सी लड़कियों के लिए रास्ते खोल दिए उन्होंने। What qualities are needed to become a professional sports person? A professional sports person बनने के लिए क्या क्या qualities होनी चाहिए? Answer. अब अगला 2 profession और देखते हैं। छाया शर्मा DCP of Delhi is an inspiration. She has handled many famous cases like the baby flock case, arrest of Nambhari and the unfortunate 16 December Nirbhaya case. तो DCP जो हैं छाया शर्मा, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में अच्छा रोल निभाया है, जो क्रिमिनल्स थे उनको अरेस्ट भी किया है। सो नाउ व्हाट पोजीशंस इन द पुलिस डिपार्टमेंट आर ओपन फॉर द यूथ, यूथ्स के लिए, नौजवानों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। हाउ डज वन ज्वाइन द पुलिस फोर्स, एक इंसान पुलिस फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकता है, डिसाइड करें। और अगर कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करने में आपको लगे कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन ऑफलाइन क्लास और इन ऑनलाइन क्लास ऑन जूम। रजनी पंडित इज महाराष्ट्र फर्स्ट वुमन प्राइवेट डिटेक्टिव। रजनी पंडित महाराष्ट्र की पहली लेडी प्राइवेट डिटेक्टिव थी, जेम्स बॉन्ड की तरह 007, आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड की मूवी, ठीक है। शी सॉल्व हर फर्स्ट केस व्हेन शी वाज इन कॉलेज, जब कॉलेज में थी तभी उन्होंने पहला केस सॉल्व किया था। शी हैज वर्क विद 30 डिटेक्टिव्स एंड सॉल्व अराउंड 20 केसेस एवरी मंथ। 30-30 डिटेक्टिव्स के साथ टीम बनाकर चल रही थी बंदी, और महीने के 20 केस सॉल्व कर दी थी और लाखों रुपये कमा दी थी, बिकॉज पीपल पे फॉर दिस जॉब। इज दिस समथिंग दैट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन, ऐसा कुछ है ये जॉब जो आप, जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे? अक्सर लड़कियाँ जासूसी करती हैं कि बगल, या महिलाएँ स्त्रियाँ क्या करती हैं, जासूसी करती हैं कि बगल वाले के यहाँ क्या हो रहा है। हाउ डज वन बिकम अ प्राइवेट डिटेक्टिव, एक इंसान प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे बन सकता है? अब एक और बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। बैजेंद्री पाल फ्रॉम उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। बैजेंद्री पाल जो थी पहली उत्तराखंड की लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। प्रमिलता अग्रवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू माउंटेनियर क्लाइम द 7 mountains ऑफ द वर्ल्ड। और अगर प्रेमलता अग्रवाल जो ऐसी लेडी थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम 7 mountains को क्लाइम किया दुनिया के, पूर्णा मलवत 13 या 13 साल की लड़की थी जिन्होंने सबसे यंग एज में माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। और चढ़ने का इन लोगों को बहुत सारे कैंपेन्स मिलते हैं, बहुत सारे एड्स मिलते हैं, जिससे इनको लाखों करोड़ की कमाई होती है इनिशियल लेवल पे, बाकी आगे जैसा वो परफॉर्म करें। Who would be interested in becoming a mountaineer? कौन से लोग हैं जो interested होंगे माउंटेन राइडिंग पे, माउंटेनियरिंग वाले जॉब में? How does one become a mountaineer? कैसे एक इंसान माउंटेनियर बन सकता है? अच्छा सच्ची सच्ची मुझे बताना, इतने सारे जो जॉब्स के बारे में बताया है अभी, इसमें से ऐसा कोई जॉब है जिसके बारे में जानकर आपको सरप्राइज हुआ, ओ माई गॉड ये भी जॉब है?
Did you feel surprised to know any one of these jobs? Write in the comment section right now. अभी कभी लिखिए और बताइए कौन सा ऐसा इनमें से जॉब है जिसको आप चूज करना चाहोगे खुद के लिए, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो. प्लीज राइट दैट ऑल्सो इन योर आंसर शीट. राइट दैट इन द कमेंट इन कमेंट ऑल्सो. आई विश टू सी कि आपको किस में इंटरेस्ट है. अगला जो एक्साइट वाला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव. अबव ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें आप क्या सोचती, क्या है आपकी राय. Do you have any question after reading the information given below? Above, जो information दी गई है इसके बारे में आपका क्या सोच है आप बताएं, ठीक है. अब चलिए पार्ट एक को एक बार और से देखते हैं, बहुत ज़रूरी है देखना. Government job, private job अक्सर discuss होता है. अब आपकी राय क्या है. The pay in government jobs is better than pay in private job. अब देखिए government job में लोग अक्सर सोचते हैं कि सैलरी ज़्यादा अच्छी है, बट ऐसा है नहीं. कोई भी ऐसा government job बता दो जिसमें आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, बट private jobs में है आपको 1 करोड़ क्या 10 करोड़ के पैकेज मिल जाते हैं. मंथली आप 1 करोड़ रुपये पेमेंट ले सकते हो. मंथली 10 लाख रुपये आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, वो भी ईमानदारी वाला पैसा होगा. ये मत बोलना कि हाँ घूस लेके तो बहुत ज़्यादा कमा लूँगा. दैट इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ इन ऑफ अर्निंग. सही तरीका नहीं है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए और घूस ले लेकर बाइब करके आप गलत तरीके से पैसा कमाओ. सही तरीके से प्राइवेट जॉब में आप लाखों कमा सकते हो, पर गवर्नमेंट जॉब में नहीं कमा सकते, ठीक है. अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं. आर गवर्नमेंट जॉब्स ईजियर देन प्राइवेट जॉब. अगर ईमानदारी से किया जाए तो ना ही गवर्नमेंट जॉब ईजी है ना ही प्राइवेट जॉब ईजी है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी ईजी है और प्राइवेट जॉब भी ईजी है. अब मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग में है, तो मैं अगर टीचिंग में जाऊँ भले ही वो गवर्नमेंट वाला हो प्राइवेट वाला हो, मुझे तो दोनों ही जगह मज़ा आने वाला है, ठीक है. तो मेरे लिए दोनों ही आसान है. अब मेरा जो जॉब है कुकिंग का जॉब तो है नहीं. अब मेरी जॉब लग जाए कुकिंग में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों ही मेरे लिए टफ हो जाएगा. मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करने का है, ठीक है. अगली चीज़, गवर्नमेंट जॉब्स आर परमानेंट बट प्राइवेट जॉब्स आर टेम्प्रोरी. अच्छा एक सवाल है मेरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई परमानेंट. परमानेंट आपकी क्या सोच है. ऑन एन एवरेज एक इंसान जो एवरेज एज है जॉब पकड़ने की वो है 25 ईयर्स. 20 to 25 ईयर्स के बीच में कोई इंसान जॉब पकड़ता है, जो कि एक ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं. मैक्स 25 एक एवरेज मान के चलते हैं. आपकी उम्र जो रिटायरमेंट की होती है वो 60 ईयर्स होती है, तो आप जॉब कितने साल करोगे, 35 ईयर्स करने वाले हों. तो आप कोई कैसे डिसाइड कर सकते हो कि परमानेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब है. 35 ईयर्स के लिए तो आप किसी भी ऐसी जगह काम कर सकते हो, कोई भी कंपनी 35 साल में तो बंद नहीं होने वाली. और अगर आप ईमानदार हो मेहनती हो तो किसी भी जॉब में आप 35 साल तो आराम से निकाल दोगे. अगर आपने ढंग से 10 साल काम कर लिया किसी भी प्राइवेट जॉब में भी, तो वो आपको सर पे बिठा के रखेंगे फॉर द होल लाइफ. होता है ऐसा, पर आपके अंदर ये विद टाइम चेंज होना चाहिए. विद टाइम इसको क्या होना चाहिए कि आप अपने आप को अपडेटेड रखो. और अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हो तब भी आपको अपडेट रखना पड़ता है. अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, बेईमानी पे हो तब तो कोई बात नहीं, उससे अच्छा जाकर चोरी कर लो, ठीक है. तो प्लीज़ गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि विच वन इज़ बेटर, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब. मान लो आपकी 50,000 की सैलरी वाली जॉब लग जाती है. एक कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है. अगर मान लो 50,000 वाली जॉब आपकी लग जाती है सरकारी जॉब गवर्नमेंट जॉब, तो आप एक साल में कितना कमाओगे, 6 लाख कमाओगे, ठीक है. और आपने मान लो कि जॉब वाई गवर्नमेंट जॉब पाते निकलते निकलते लोग 30 साल तक आराम से पहुंच जाते हैं, 30 ईयर्स तो आराम से टच कर देते हैं. तो आप जॉब कितने साल करोगे और 30 ईयर्स करोगे. एक साल में आप 6 लाख रुपये कमाते हो तो 30 साल में कितना कमाओगे, 1,80,00,000 रुपये. 1,80,00,000. मान लो 5 साल पहले आप और जॉब पकड़ लिया आपने, तो 30 लाख और पकड़ लो आप, तो टोटल आपकी अर्निंग कितनी हुई, 2,10,00,000. मोटा मोटी 2 करोड़ रुपये आप कमाओगे एक गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद, अगर आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 50,000 पर मंथ है. तो अब आते हैं प्राइवेट जॉब पे. अगर आप बहुत अच्छे हो, स्किल्ड पर्सन हो, एक अच्छे टीचर हो, जो टीचर्स भी हैं, तो मंथली वो लोग 2 to 3 लाख कमाते हैं मंथली, ठीक है. अगर आप स्किल्ड पर्सन हो अपने जो भी चीज़ में, आप करते मान लो कि आप चाय ही बनाते हो चाय वाला, वो महीने का 10,00,000 रुपये बंदा कमाता है सिर्फ चाय बेचकर. तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बुरा
बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। तो प्राइवेट जॉब में अगर आप हो जो इंजीनियर्स हैं, जो बहुत सारे MBA वाले हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, जिनकी हायरिंग महीने की 2-2 लाख रुपए के पैकेज पे हो जाती है, 2-2 लाख की पैकेज पे हो जाती है, तो 2 लाख का मतलब हो गया साल का 25 लाख रुपया अप्रॉक्स। 10 साल में कितना कमा लेगा बंदा? 2.5 करोड़। तो बताओ, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरी जिंदगी में कमाएगा उससे ज्यादा तो ये 10 साल में कमा के बैठेगा। तो आप सोचो पहले कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, अगर आप सोचते कि मुझे वो गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो सोचो उस गवर्नमेंट जॉब को निकाल कर आप क्या कमाओगे। चलो आप सोचते हो कि रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा, तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, पेरेंट्स के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हो, तो उसमें टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है ये सोचो। और फिर सोचो कि गवर्नमेंट जॉब में आप उस चीज़ को कितने दिनों में पूरा करोगे। और वहीं सोचो कि अगर इस चीज़ को आप प्राइवेट जॉब में अभी घुस जाओगे, अगर 5 साल तैयारी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं होगा वो भी एक सस्पेंशन बना रहता है, पता नहीं क्या हो। लेकिन अगर अभी प्राइवेट जॉब में घुस गए तो हो सकता है 10 साल में आप वो चीज़ अचीव कर लो जो आप कर लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद। क्योंकि जॉब तो कोई सा भी करो, आपका मकसद जॉब पाना नहीं होता है रियल में, आपका मकसद जो होता है, रियल लाइफ गोल जो होता है, वो कुछ और होता है। वो होता है कि मैं अच्छे से घर में रहूं, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को अच्छे से फीड कर सकूं, अच्छा खाना खिला सकूं, अच्छे से ख्याल रख सकूं, गाड़ी रख सकूं, बहुत सारे सपने होते हैं। तो उन सपनों को कैलकुलेट करो कि उसके लिए आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, फिर डिसाइड करो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए 5-6 साल वेट करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, या अभी से ही प्राइवेट जॉब ही सही स्टार्ट तो कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो, करो, पर उसको एक टाइम दो, क्या मुझे 1 साल करना है या 2 साल करना है, पर नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दूंगा, या फिर मैं प्राइवेट जॉब करूंगा साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी करूंगा, जिस दिन निकल जाएगा उस दिन प्राइवेट जॉब छोड़ दूंगा। तो वो तो नहीं हो, मान लो कि आप कितने भी बेकार स्किल में भी हो, कितने भी कम एजुकेटेड हो, कम से कम 20,000 की जॉब तो लगी जाएगी। अगर आपने 5 साल जॉब नहीं किया तो आपने सालाना अपना 2.5 लाख का लॉस किया, 5 साल में कितना लॉस कर दिया सोच रहे हो? तकरीबन 12.5 लाख रुपये का लॉस कर दिया। क्या 12.5 लाख रुपये 5 साल बाद आपको कोई दे देगा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो? दोनों ही चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब नहीं तैयारी करनी चाहिए, करो, लेकिन कुछ करते हुए, कुछ अर्निंग्स करते हुए, अंधों की तरह नहीं भागना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तैयारी करनी है कुछ पाने के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं दिस थिंग। डू नो दैट स्टैनफोर्ड हैज़ करियर गाइड्स टू हेल्प यू इन प्लानिंग योर करियर। स्टैनफोर्ड में कुछ करियर गाइड्स भी हैं, कुछ मेंटर्स हैं जो आपसे बात करेंगे बीच बीच में और आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। करियर गाइड्स पोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज फॉर करियर गाइड्स और भी कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं जॉब वैकेंसीज उनके ब्लॉग्स पे पोस्ट करते हैं, आप गूगल कर सकते हो पोस्ट के लिए और इजीली आप करियर गाइड्स सर्च करो, आपको बहुत सारे करियर अच्छे अच्छे गाइड्स मिलेंगे जो रेगुलरली अपडेट करते हैं। हायर्स ओन गेट फ्रॉम डिफरेंट रोल एंड पोजीशन। स्टैनफोर्ड इस डिफरेंट रोल्स एंड पोजीशंस के लिए अपने ग्रेजुएट जो कि पूरा 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको भी स्टैनफोर्ड इस हायर करता है एज अ फैसिलिटेटर, एज अ क्लर्क, एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, और पेमेंट भी अच्छी होती है। राइट द स्टोरी यू हैव रेड सो फार, तो स्टोरी पढ़नी है, नॉवल पढ़ना है, और फिर स्टोरी लिखनी है, बिगनिंग लिखना है, इन द बिगनिंग क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ ये लिखना है स्टोरी को, जो स्टोरी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, और फाइनल लिखना है कि लास्ट में जो हमने किया। नाउ द लास्ट सेक्शन, फीडबैक सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज योर वोकैबुलरी गेटिंग बेटर आफ्टर रीडिंग ऑफ 3 वीक्स, 3 हफ्ते से हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी बुक को, क्या इसको पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी अच्छी हुई है? हाँ ना, अगर ना हुई है तो बताना जरूर, मैं बताऊंगा फिर पढ़ना कैसे है। आर यू बिगिनिंग टू बिकम कंफर्टेबल विद रीडिंग एंड मेकिंग मिस्टेक्स वाइल रीडिंग, क्या आप लोग कंफर्टेबल हो रहे हो रीडिंग को लेकर के, मिस्टेक्स कम हो रही हैं तो बताओ, नहीं हुई है तो ये भी बताना, आई विल गिव यू फीडबैक एंड हाउ टू डू दैट। नेक्स्ट लेसन फैंटास्टिक लेसन दैट इज गोइंग टू द बैंक, इसमें बैंक से रिलेटेड वोकैबुलरी पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बैंक से विजिट जरूर करता है, बैंक से रिश्ते जरूर रखता है और बैंक से काम तो करने ही करने हैं, तो इसके टर्म्स भी आने चाहिए। So dear students, if you learn something today, like this video. If you are not our registered student, हमारे registered student अगर आप नहीं हो तो नीचे जो लिंक आ रहा है www.stanfordis.in पे जा करके अपना एडमिशन कन्फर्म कराओ और registered student हो जाओ, ताकि आप
भी व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट बन सको, आपको भी जूम लिंक मिल सके ताकि आप लिंक जूम पे आकर 1-to-1 डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सको, या फिर ऑफलाइन क्लास जो हमारे अगर आपके शहर में है तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 888-222-8755 जो नंबर आ रहा है इस पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप पे अपना नाम सेंड करके एडमिशन लिंक जूम लिंक पा सकते हो। एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु रियली विश टू लर्न समथिंग न्यू एंड हु विश टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। Next thing, subscribe this channel if you want to learn next fantastic lessons agar aap seekhna chahte ho to please do this thing, okay? I hope you understood this thing. Now people, it's time for saying bye bye, see you in the next lesson. And next lesson is really fantastic because in that lesson we are going to talk about the terms, vocabulary related to bag.